Assalamu alaikum, dear students and viewers. I hope so, you will be fine. I am Javed Abbas, a chemistry tutor. As a teacher, I observe that most of the students feel and find complications regarding concepts of chemistry so as a teacher i will try my best to explain the concepts of chemistry to present the concepts of chemistry in easy way so please keep visiting and tuning my youtube channel so dear students let us start our today topic

मादे की कंपोजिशन मीन उनके अजा को मैटर मादा जिन अजा से मिल के बना है उसको भी हम वाज तौर पे क्लियरली तौर पे हम उस सबस्टांस को उस, उसको मैटर ही कहेंगे जिससे कलेक्टिव मैटर केम इन टू एग्ज़िस्टेंस तो अब ये वाला मैटर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है इस वाले मैटर की स्ट्रक्चर क्या है ये वाला मैटर और जिस मैटर से ये मैटर मार्ज वजूद में आया है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनके माबैन रिएक्शंस किस किस्म के होते हैं इन तमाम चीज़ों का मतलब केमिस्ट्री में किया जाता है अच्छा ये डेफिनेशन तो आपने मोस्टली बुक्स के अंदर देखी पड़ी होगी अब हम थोड़ा सा इसको ना इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो मैटर है ये केमिस्ट्री के अंदर कैसे डिस्कस हो रहा होता है अब मैटर बतौर एच टू ओ हम लेते हैं ये वाला एच टू ओ ये हमने सिंपल फार्मूला देखा है कि ये वाटर का फार्मूला है अब इसकी कंपोजिशन के अंदर क्या चीज़ है वो हमने स्टडी करना है कंपोजिशन के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और दूसरा ऑक्सीजन गैस है इसका मतलब है हमने मैटर की कंपोजिशन को स्टडी कर लिया उसके बाद आगे हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो है एच टू ओ की आ, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी स्ट्रक्चर को लेके कर बहरहाल स्ट्रक्चर हमें ये बताती है कि उनकी आपस में क्या केमिकल कंडीशन या रेशो है अब इसके बाद अब हम ये वाला मैटर और इस मैटर के इन, इन अंदर इंडिविजुअल इंडिविजुल जो मैटर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे तो उनके माबेन उन मैटर जो कि मिल के इस मैटर को बना रहे हैं उनके आपस में उनका आपस में रिएक्शन कैसा हुआ ये सब कुछ इस मैटर की केमिस्ट्री कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड द केमिस्ट्री ऑफ वाटर केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ वाटर बोला जाएगा इसको अब नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन को स्टडी करना है मीन ये वाला जो मैटर है हाइड्रोजन से मिलकर जो बना है तो उस हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है अब इस इस हाइड्रोजन की अकरेंस को देखते हैं वेयर इट इज इट अकर तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेल्स अस दैट सन कंटेन अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थ्री परसेंट हाइड्रोजन गैस अदर गैसेज लाइक हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आल्सो प्रेजेंट इन सन तो हमने यहाँ से ये यह समझा कि ये जो मुसलसल सन हमें हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहा है ना तो ये किस बेस पे है ये बर्निंग प्रोसेस है वहाँ केमिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं इन गैसेस की केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे हो रहे हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एक फायर है जो कि मुसलसल यानी बर्निंग प्रोसेस है सन के अंदर जो कि मुसलसल हो रहा है तो हमने हाइड्रोजन को समझ समझ लिया कि ये हाइड्रोजन जो है ना ये आग है ये टोटली आग है चूँकि ये मोस्ट एबेंडेंटली तौर पे तो सन के अंदर ही मौजूद है ना तो सौ के अंदर आग मुसलस जल रही है तभी तो हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हमें तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस जो है उसको बतौरे आग के लिए जा सकता है अब ऑक्सीजन गैस की बात कर लेते ऑक्सीजन गैस कहाँ पे पाई जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन गैस है अर्थव्यस्त्र के ऊपर भी फोर्टी सेवन परसेंट ऑक्सीजन गैस है अच्छा अब इसकी यूटिलाइजेशन को देखें ज़रा यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो ये कि इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत कि दिस इ, दिस विल बी यूज इन इन्हेलिंग प्रोसेस मोस्टली तौर पे जानवर और इंसान जो हैं इसको इन्हेलिंग के अंदर यूज़ करते हैं ज़रा इससे हार्ट केस की और एक और प्रॉपर्टी को भी हमने देखा हुआ है वो क्या वो ये है कि हाई ऑक्सीजन गैस जो है ना ये बर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भला कैसे हमारे डोमेस्टिक लेवल पे आग जलती है अचानक से आग बुझ जाती है अच्छा आग बुझती है तो हम क्या करते हैं फूके छूके देते हैं ना फूके छूके मारने के बाद वो आग उसकी जो चिंगारियाँ होती हैं ना वो ऐसा ऐसा ऑक्सीजन को कैप्चर करती हैं और बर्निंग प्रोसेस वहाँ पे जो फ्यूल पड़ा होता है वो स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है ना कि ऑक्सीजन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बर्निंग प्रोसेस इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है ना वो लाजमी तौर पर जलने वाले अमल के अंदर इस्तेमाल होनी ही है तो ये ऑक्सीजन एक ऐसा मैटर है जो कि आग जलाने के अमल के अंदर इस्तेमाल होता है आग जलाने वाली गैस अच्छा अब ये दो मैटर हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको कायत के खलक़ होते हुए इन दोनों गैसेस को अल्लाह तबारक व हुक्म दिया कि तुम मिल जाओ कुन के लफ्ज़ों में जहाँ पे इस चीज़ को बयान किया जाता है कुन के लफ्ज़ों में इन दोनों गैसेस को हुक्म दिया गया कि तुम दोनों गैम तुम मिल जाओ ये गैसेस कैसे मिली ये भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है कि ये गैसेस वन रेशो एट बाय मैस कंबाइन हुई थी अब इन गैसेस इन गैसेस की प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया यहाँ से ये दो मैटर्स जो हैं इन फॉर्म ऑफ गैस कंबाइन हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं कौन के मीनिंग में और यहाँ से एक और मैटर जो है वो वजूद में आ रहा है और वो वाटर है अब इसकी इसकी खासियत क्या है हमने चूंकि प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है ना इस आ, ये जो मैटर के अराउंड जो कंसेप्ट है उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी को भी देखना होता है तो प्रॉपर्टी हमें वाटर की क्या यानी ज़ाहिर होती है यहाँ से तो वाटर बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उनके अंदर ये जो पानी पाया जा रहा है तो इनकी ख़ासियत ये है कि ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के अंदर तो यूज़ होता ही है लेकिन एक और भी इसका पर्पस है एक और भी ये प्रॉपर्टी रखता है वो क्या है वो ये है कि हमारे यहाँ आग जल रही होती है हम किसी तरीके से उस आग को कवर करना चाह रहे होते हैं उसको बुझाना चाह रहे होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वग़ैरह तो हमारे पास अवेलेबल होते नहीं हैं लेकिन हम फर्स्ट एड के तौर पे ना वाटर को लेते हैं पानी को लेके ना आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी जो है वो एक इनिशिएटर है यानी एक एक वो वो वाद सब्सटेंस है जो कि आग के जलाने के आग को बुझाने के अंदर इस्तेमाल होता है अब इस को आग बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है ना वाटर को तो अब यहाँ से हमें ये वाज हुआ कि पानी जो है वो आग बुझाने वाला मटेरियल है आग बुझाने वाला मटेरियल। अच्छा ज़रा आगे चलते हैं हमने एक मैटर लिया था स्टार्ट में वाटर उसकी हमने कंपोजिशन को भी देखा यानी उसकी बनावट के अंदर कौन क्या क्या इजाज़ शामिल थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस थी उन उसकी स्ट्रक्चर को भी आगे फ़र्दर कंसेप्ट के अंदर स्टडी किया जाता है मैटर की स्ट्रक्चर को भी अब उसके अंदर जो ये वाला इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दिस मैटर था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर लिया उसके बाद जो नया मैटर इस इन दो मैटर्स के मिलने से बना उसकी प्रॉपर्टी को भी देख लिया रिएक्शंस को भी देख लिया अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो केमिस्ट्री ऑफ वाटर है यानी ये मैटर जो लिया गया उसकी हमने इन तमाम फैक्टर्स को अप्लाई करके देख लिया तो इसका मतलब है हम यहाँ से इसकी केमिस्ट्री को तो समझ चुके हैं ना दिस इज़ आवर टूडे टॉपिक इन शेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आ, किसी इंटरेस्टिंग वे में हमें किसी और टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा तब तक अल्लाह हाफिज